हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोबिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आगामी एग्ज़ामों को देखते हुए आपकी तैयारी निरंतर चल रही होगी। इसमें एक विशेष सूचना हम आपके लिए अवगत कराते हैं आपको कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनका प्रारूप क्या होने वाला है, ये भर्तियाँ कब से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और कब इनका एग्ज़ाम होगा, ये सारी डिटेल्स अब आपके पास आ चुकी है। तो हम इसको साझा करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के। वीडियो को आप पूरा कम्प्लीट एंड तक देखिए, बताया जाएगा एग्ज़ाम कब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और कब एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अभी हाल ही में भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार विश्वकर्मा द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 35,775 पदों पर भर्ती आने वाली है। भर्ती किस किस विभाग में होगी और कैसे कैसे होगी, किस किस समय पर होगी, ये सभी आप देखते रहिए इस वीडियो पे, आप लगातार बने रहिए और आगे हम इसकी पूरे प्रारूप बताएंगे किस तरीके से भर्ती में कौन कौन से पद होंगे, कांस्टेबल के कितने पद होंगे आपके, फायरमैन के कितने पद होंगे आपके, ये सारा डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर। तो अभी कितना ये जो भर्ती आने वाली थी अभी हाल ही में 26,000 पदों पर ये भर्ती आने वाली थी। अब ये भर्ती जो है वो 35,775 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, और ये अगले वर्ष नव वर्ष में नई साल में ये भर्ती जो आने वाली है वो किस तिथि पर इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, ये जान लेते हैं हम लोग। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं ये एक सूचना आई है, इसमें बहुत ही सब डिटेल में आपको बताया गया है कि नई साल में 35,757 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होने वाली है। और ये कब होने वाली है तो इसके बारे में डिटेल से नीचे समझाया गया है कि बोर्ड द्वारा अध्यक्ष जो हैं राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मुख्यालय से 35,757 पदों के लिए जो भर्ती है इसका प्रस्ताव भेजा गया और इसके चयन के लिए कार्यकारी संस्था जो है इसके चयन के लिए क्या कर रही है, बोर्ड का गठन कर रही है। और ये प्रक्रिया पूरे, ये जो प्रक्रिया है इसको कंप्लीट होने में पूरा आपका 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, दिसंबर के अंत तक इसमें लिपिक का संवर्ग का जो रिजल्ट आने वाला था वो भी आपका 1329 पदों के लिए चल रही है भर्ती अभी वर्तमान में, उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपका परिणाम आ जाएगा। और इस प्रक्रिया में आपका जो टंकड़ और आपका जो ये टंकड़ जो प्रतियोगिता होगी वो भी कंप्लीट कराई जाएगी और ऐसे में दिसंबर अंत तक चयन परिणाम की संभावना इसमें हो सकती है। ठीक है, और हाल ही में भी उत्तर प्रदेश पुलिस के खेल कोटे से सिपाहियों की जो भर्ती चल रही है उसमें आपके सिपाहियों के जो पद हैं वो 534 जो पद हैं, ये पूरे जो पद हैं आपके इन पदों पर अभी हाल ही में 3 महीने में पूरा ये पूरा पेपर होके इसका सिस्टमेटिक रिजल्ट आने वाला है। तो देख लेते, इसका समय भी दिया है, इसके लिए 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन किए जाएंगे, हो चुके हैं 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। ये खेल कोटे का जितनी भी भर्ती होने वाली हैं इस पर ये आपका फॉर्म मांग चुकी है भर्ती बोर्ड और इसका एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी महीने में, जनवरी या फरवरी के महीने में इसका एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी बिल्कुल बना रही और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो हम आपको तुरंत ही उसकी सूचना आपके आप पर जल्दी ही पहुँचाएँगे। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हम लोग, जैसा कि ये लिखा हुआ उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड में 26,000 जो पद आने वाले थे वो बढ़ा दिए गए, अब कितने कर दिए गए आपके 35,000 पद कर दिए गए। इसमें कौन कौन से पद हैं ये आप देख लेते हैं, तो इसके बारे में डिटेल दिया गया आपको, यहाँ पर समझाया गया है कि नागरिक पुलिस के 26,000 कांस्टेबल पद होंगे, 26,200 आपके ये पुलिस यानी कि कांस्टेबल के सिपाही के जो पद हैं वो 26,200 होंगे और उसी के अंतर्गत आपके 85 जो पद होंगे वो पीएससी में आएंगे। किस में आएंगे, ये पीएससी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें निकाले जाएंगे। और फायरमैन यानी कि फायरमैन के जो पद होंगे वो आपके 1,057। इस प्रकार जो पूरी भर्ती होगी वो लगभग कितनी, तो 35,000 सिपाहियों की भर्ती अब नव वर्ष में ये नई साल में आपको योगी सरकार की तरफ से ये तोहफा मिलने वाला है। तो आप सभी लोग तैयारी में जुटे रहिए और किसी प्रकार की कोई भी सूचना अगर आप आती है तुरंत हमारे पास तो हम इसको तुरंत ही आपसे साझा करेंगे। और ये एग्ज़ाम जो है वो जल्दी से जल्दी, ये सोच लीजिए एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर, ये पूरी भर्ती आपकी, ये मान लो कि ये नेक्स्ट ईयर पूरी भर्ती जो है वो आपकी हो जाएगी कंप्लीट आपकी, तो आप लगे रहिए इसमें तैयारी में। ठीक है, और ये जो भर्ती है वो 31 दिसंबर 2023
31 दिसंबर 2023 तक ये भर्ती जो है वो पूरी कंप्लीट होगी, यानी कि आपके बदन पर भर्ती होगी। तो आप किसी प्रकार का कोई विलंब न करते हुए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जितने भी इसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस की और हिंदी की क्लासेस चल रही हैं डेली की डेली, उन क्लासेस को आप लेते रहिए। और किसी प्रकार की कोई सूचना या किसी प्रकार की कोई क्वारीज हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में उसको साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।